नमस्कार जी सभी को, आज मैं ले आई हूँ अपना अगला लेक्चर बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे। लेक्चर नंबर 11 है ये। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है कि एन पार्टिकल्स को टू कंपार्टमेंट्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फोर को किस तरीके से करते हैं। जब हमने एन कर लिए हैं, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनी नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। अब ये है कि हम लोगों को ये भी समझ आ गया है कि एक मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है, एक लीस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है पी एन बाई टू एन बाई टू, जब हाफ हाफ पार्टिकल्स दोनों कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और जो लीस्ट प्रोबेबल होती है उसमें होता है कि एक के अंदर ही के सारे आपने ढेर लग दिए, इसके सारे के सारे जाओ भैया तुम एक के अंदर जाओ और एक में बिल्कुल भी नहीं खाली रह जाए। वो लीस्ट प्रोबेबल कंपार्टमेंट था, लीस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट थी। जो लीस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट है और मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट है। अब सम टाइम्स क्या होता है कि सिस्टम जो है दैट कीप ऑन चेंजिंग इट्स स्टेट। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम डायनामिक होता है, स्टैटिक होता है, अपनी स्टेट्स को चेंज करता रहता है। एज द सिस्टम चेंजेस स्टेट, अब सिस्टम जैसे स्टेट चेंज करता है, मान लीजिए कि सिस्टम अपने आप काम कर ही जा रहा है और मैं एकदम से आके उसको ऑब्जर्व करने लग जाती हूँ, इन विच स्टेट इट विल वर्क। और अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो कि जिसको हम इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल स्टेट बोलेंगे, जहाँ पे सिस्टम अपनी ईज के अंदर होता है, उस स्टेट से अपना सिस्टम कितनी दूर है, दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस, दैट आई वॉन्ट टू नो। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि वाकई मोस्ट प्रोबेबल स्टेट उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है या नहीं है, क्या सिस्टम उसके अंदर रहना भी चाहता है, नहीं रहना चाहता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिकली। एक्चुअली बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट अस डू डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। हम लोगों को डेविएशन फाइंड आउट करनी है और फ्रैक्शनल डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, कि हमारा सिस्टम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टेट से कितनी दूर है और किस तरीके से इट विल वर्क। फॉर एग्जाम्पल, आपने चार पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट किए, ये 3-1 स्टेट है, हमें पता है हमारी मोस्ट प्रोबेबल 2-2 थी। अब इसके अंदर देखिए, इसमें मैं 1 ऐड करवा रही हूँ, दिस स्टेट, ये वाली स्टेट को मैं इसके कंटेक्स्ट में किस तरीके से लिखूंगी, आई कैन राइट इट 2+1, यहाँ पे 2 इसको मैं लिखूंगी 2+1, और यहाँ पे ये जो 1 है दिस विल बी रिटन एज 2-1। तो देखिए, आपने इसके अंदर इसमें से 1 माइनस किया आपको ये मिल गया, इसमें 1 प्लस किया आपको ये मिल गया, और देखिए 1 ही ऐड किया है और 1 ही सब्ट्रैक्ट किया है। दैट मींस इस स्टेट की डेविएशन इस स्टेट से कितनी है, 1 है। एंड आई वांट टू चेक द फ्रैक्शनल डेविएशन इन जनरल। ये तो है कि बड़ा चार ही पार्टिकल्स थे मेरे पास और एक ही डेविएशन थी, डेविएशन भी बड़ी कम थी। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाएँ और डेविएशन भी ज़्यादा हो जाए तो वो हम किस तरीके से करेंगे, दैट जनरल फॉर्मूला वी आर गोइंग टू डिराइव। तो मान लीजिए आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट एन पार्टिकल्स इन टू कंपार्टमेंट्स। लेट अस सपोज वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट एन पार्टिकल्स इन टू कंपार्टमेंट्स। जब हम एन पार्टिकल्स को टू कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कौन कौन सी मैक्रोस्टेट्स होंगी, n0, n-1, 1, n-2, 2, एंड सो ऑन, इट विल गो ऑन अप टू 0 n, और कितनी थी ये n+1 मैक्रो स्टेट्स वर देयर। एग्जैक्टली सेम हम यहाँ पे भी बात करेंगे कि अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हैं दो कंपार्टमेंट्स के अंदर, सो देयर विल बी n+1 मैक्रो स्टेट्स। सॉरी, अब मैं मान लेती हूँ कि स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से हमें कितनी दूर जाना है, तो पहले मैक्सिमम देख लेंगे कितनी है। तो पी मैक्स स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, याद कीजिए किसके इक्वल था, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n/2 फैक्टोरियल, n/2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज टू पावर n, और आई कैन राइट इट n फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 1/2 रेज टू पावर n। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1, ये मैंने लिख ली मोस्ट प्रोबेबल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे 2-2 लिखा था, उसके बाद मैंने 3-1 लिखा था और 1 की डेविएशन थी। नाउ लेट अस सपोज इन जनरल दैट डेविएशन इज x, अब वही x इसमें ऐड भी होगा और इसमें सब्ट्रैक्ट भी होगा, इसको मैं पी एन बाई टू एन बाई टू भी लिख सकती हूँ। इससे 1, जैसे हमने अभी लिखा था कि पी 2-2 से
हमने P31 पे हम कैसे पहुँचे थे, किस तरीके से पहुँचे थे, हमने इसमें क्या किया, 2+1, 2-1, तो 3-1 वाली स्टेट आ गई थी. एग्जैक्टली सेम नाउ आई एम डीलिंग विद n/2, n/2. इसके अंदर प्लस एक्स कर दिया और माइनस एक्स कर दिया, दैट स्टेट आई एम गोइंग टू राइट. लेट अस सपोज वी आर डेविएटेड बाय एक्स फ्रॉम दिस मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, सो प्रोबेबिलिटी फॉर दैट स्टेट Pn/2x, Pn/2-x. ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई विल राइट इट n^(n1)), यानी कि n/2+x, n^2), यानी कि n/2-x (1/2)^n. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. अब मुझे एक्सप्रेस करना है इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ दिस पी मैक्स, तो ये पी मैक्स यहाँ पे बनना चाहिए. देखिए n^(1/2)^n यहाँ पे है, क्या चीज़ नहीं है, दिस वन. अब ये नहीं है लेकिन यहाँ पे होनी चाहिए. इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, देर इज़ अ मैजिकल रूल इन मैथमेटिक्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस टर्म. सो आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस राइट हैंड साइड बाय n/2 होल स्क्वायर. सो दिस विल बी n, इसको अगर मैं वन ही लिख लूँ, n/2+x, n/2-x, और इसके वाला n, मान लीजिए मैंने इसको दान दे दिया, जो मैंने n/2 अभी डिवाइड किया उसकी स्क्वायर. इसी तरीके से n/2 की स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई भी की है, इस टर्म को मैं यहाँ लिख लेती हूँ n/2 स्क्वायर. मल्टीप्लाइड वाली टर्म हमने उधर दे दी, इसने अपनी मल्टीप्लाई वाली दान कर दी और इसने अपनी ये वाला n दान कर दिया, (1/2)^n. एंड दिस टर्म इज़ वाट, पी मैक्स. तो इसको और इसको बार बार ये लिखने के बजाय इन जनरल मैंने पी एक्स लिख लिया, वो स्टेट जो एक्स डेविएशन पे पड़ी हुई है फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट. इसको हमने पी एक्स लिख लिया है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा वहाँ से, n/2 its square / (n/2+x, n/2-x), और वो बाकी सारी टर्म हमारे पास क्या बनी, पी मैक्स. तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास आ गई है, लेकिन हमें चाहिए फ्रैक्शनल चेंज. तो फ्रैक्शनल चेंज के लिए प्रपोर्शन चाहिए आपको, रेशो चाहिए, और प्रपोर्शन हमें पता है प्रपोर्शन के अंदर ईजिली कौन डील करता है, लॉगरिदम. सो लेट अस डील विद एक्सप्रेशन विद लॉगरिदम. अब मैं क्या करूँगी, इसका दोनों साइड लॉग ले लूँगी. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पे अगर आप लॉग ले लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, याद रखिए हमेशा नेचुरल लॉग लिखा जाएगा इसको. और आपको ये पता है कि जो टर्म्स, चलो मैं इसको एक बार ऐसे लिख लेती हूँ, लॉग पी मैक्स (n/2)^(2)+(x), (n/2-x) एंड दिस वन. तो अब देखिए इसको हमें पता है कि log a upon b हो, तो हम लिख सकते हैं log a माइनस log b. सो आई विल राइट इट log a माइनस log b. और ऊपर मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमें पता है क्या हो जाता है, एडिशन हो जाती है. तो मैं इसको लिखूं log px इज इक्वल टू log p max प्लस log (n/2)^2. दोनों ऊपर थे, मल्टीप्लीकेशन में थे, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b. और ये नीचे वाले माइनस हो जाएंगे, log (n/2)/(x)^(-log n/2-x). तो यहाँ तक हमने सिंपल सा रूल लॉगरिदम का यूज़ किया, जिसके अंदर हमने log a माइनस log b और log a प्लस log b अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस और डिवीजन में है तो माइनस, वो हमने यूज़ कर लिया. नाउ कमिंग ऑन टू, देखिए ये पावर वाला भी एक रूल होता है कि अगर आपके पास log m पावर n है तो ये पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है. तो मैं यहाँ से नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस 2 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दूंगी. मैंने तो यहाँ पे इरेज करके कर दिया, आपको एग्जामिनेशन में नेक्स्ट स्टेप लिखना पड़ेगा. फीलिंग जेलस, कोई बात नहीं, करते रहिए. दिस इज डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यू हैव टू डू. मुझे आपको समझाना है तो मैं शॉर्टकट्स मार सकती हूँ. तो देखिए इसके बाद अब यहाँ पे log factorial, log के साथ एक टर्म है विच इज़ इन फैक्टोरियल. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू यूज स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन. अब स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन क्या थी, याद कीजिए पिछले लेक्चर में हमने देखा log n factorial
वाज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन। अब इस कॉन्सेप्ट को मुझे यूज़ करना है ऊपर दी गई इन सारी एक्सप्रेशन में। देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, लॉग एन बाई टू फैक्टोरियल है, इसको क्या मैं लिखूँगी, एन बाई टू लॉग एन बाई टू माइनस एन बाई टू। दूसरी टर्म मेरे पास क्या है, लॉग एन बाई टू प्लस एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिखूँगी, एन बाई टू प्लस एक्स इंटू लॉग एन बाई टू प्लस एक्स माइनस एन बाई टू प्लस एक्स। अभी ख़त्म नहीं हुआ काम, ये टर्म भी पड़ी हुई है। सो लॉग एन बाई टू माइनस एक्स फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज एन बाई टू माइनस एक्स लॉग एन बाई टू माइनस एक्स माइनस एन बाई टू माइनस एक्स। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं, दीज ऑल थ्री टर्म्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड इन दिस एक्सप्रेशन। इसके अंदर हम इसको सब्सटीट्यूट करवा देते हैं। अब इसको सब्सटीट्यूट करवा के फिर आपको इसको एक्सपैंड करना है। तो देखिए इसके अंदर जब मैं पुट करवाऊंगी, आई विल गेट लॉग पी एक्स, लॉग पी मैक्स, प्योर मैथमेटिक्स चल रहा है अब, प्लस टू इंटू दिस टर्म एन बाय टू लॉग एन बाय टू माइनस एन बाय टू माइनस, उसके बाद मुझे लिखनी है दिस मच टर्म, तो एन बाय टू प्लस एक्स लॉग एन बाय टू प्लस एक्स। यहाँ पे माइनस है और ये माइनस है, दिस विल बिकम प्लस, तो एन बाय टू प्लस एक्स। यहाँ तक मैं पुट करवा चुकी हूँ, अगेन माइनस इस टर्म के आगे, यहाँ पे भी माइनस, सॉरी यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस एन बाय टू माइनस एक्स लॉग एन बाय टू माइनस एक्स, ये माइनस और वो माइनस, इट विल बिकम प्लस एन बाय टू माइनस एक्स। तो ये टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसको आप लोग एक्सपैंड कीजिए, जो टर्म्स एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगी, यानी कि एक पॉजिटिव में होगी एक नेगेटिव में होगी, उनको हम क्या कर देंगे, निस्तनाबूद कर देंगे, मीन्स वो टर्म्स ख़त्म हो जाएंगे एंड बड़ी एक सिंप्लीफाइड सी टर्म हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, लॉग पी मैक्स प्लस, आप इसको ओपन करेंगे, इट विल बिकम एन लॉग एन बाई टू, इस टू ने इस टू को ख़त्म कर दिया, माइनस ये टू इस टू को भी ख़त्म करेगा, माइनस यहाँ पे एन बाई टू प्लस एक्स लॉग एन बाई टू प्लस एक्स, फॉर द टाइम बीइंग आई एम नॉट ओपनिंग दिस ब्रैकेट। उसके बाद इसको आप ले लीजिए माइनस एन बाई टू माइनस एक्स इंटू लॉग एन बाई टू माइनस एक्स, फिर ये दोनों टर्म्स को देखिए प्लस में, एन बाई टू प्लस एन बाई टू दिस विल बिकम एन, फिर ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, इन्होंने तो यहीं पे ये एक दूसरे का काम ख़त्म कर दिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे माइनस एन है और यहाँ पे प्लस एन है, ये भी बेचारे लड़ भिड़ के ख़त्म हो गए। हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी बची, सिर्फ लॉग वाली, एन लॉग एन बाई टू इज़ लेफ्ट विद अस, माइनस एन बाई टू प्लस एक्स लॉग एन बाई टू प्लस एक्स इज़ लेफ्ट विद अस, माइनस एन बाई टू माइनस एक्स लॉग एन बाई टू माइनस एक्स इज लेफ्ट विद अस। तो स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन का काम तो हो गया ख़त्म। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो लेट अस डू दैट। उसके लिए अब मैं क्या करूँगी, फिर से मुझे छेड़खानी करनी है कौन सी टर्म्स के साथ, लॉग एन बाई टू प्लस एक्स और लॉग एन बाई टू माइनस एक्स, ये मुझे थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही हैं, सो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, तो मैं इनको और छोटा करने की कोशिश करूँगी। अब जो चीज़ मुझे प्रॉब्लम देती है तो मेरे साथ उसकी लड़ाई होगी, अब या तो वो बचेगा या मैं बचूंगी। नेचुरली मैथमेटिक्स है, इक्वेशंस को कट करना मुझे आता है, सिंप्लीफाई करना मुझे आता है, तो नेचुरली आई विल कट दीज। तो अब इसको मैं एन बाई टू प्लस एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसमें से अगर एन बाई टू कॉमन ले लूँ, देख लीजिए लॉग एन बाई टू प्लस एक्स है, अगर इस टर्म में से मैं n बाई टू बाहर ले लेती हूँ, मीन्स log n बाई टू अब बाहर लेते हैं, यू विल बी लेफ्ट विद 2x बाई एन, ये बचा आपके पास। फिर से मैं क्या लगा सकती हूँ, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, सो दिस विल बिकम log n बाई टू प्लस log 1 प्लस 2x बाई एन। इन दिस वे n बाई टू प्लस x को मैंने ये लिख लिया। इसी तरीके से n बाई टू माइनस एक्स लॉग n बाई टू माइनस एक्स, इट विल बिकम लॉग n बाई टू मैंने कॉमन निकाला, 1 माइनस टू एक्स बाई एन ये बचेगा, फिर इसको फिर से आप लॉग ए बी का फॉर्मूला लगाइए, लॉग n बाई टू
प्लस लॉग 1 माइनस 2x बाय n। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस हमें इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करनी है। उसके बाद फिर से आपको ब्रैकेट्स खोलनी है। हो राम जी, इतना लंबा, इतनी लंबी कैलकुलेशंस करनी तो पड़ेंगी। सो देखिए, लॉग पी मैक्स, मार्क्स भी अगर लंबे लंबे चाहिए तो आर्टिकल्स भी लंबे लंबे करने ही पड़ेंगे। लॉग लॉग पी मैक्स प्लस एन इंटू लॉग एन बाय टू माइनस एन बाय टू प्लस एक्स इंटू, यहाँ पे ये सारी टर्म आ गई है, लॉग एन बाय टू प्लस लॉग वन प्लस टू एक्स बाय एन। उसके बाद फिर से देखिए, माइनस एन बाय टू माइनस एक्स इंटू, ये टर्म आ जाएगी लॉग एन बाय टू प्लस लॉग वन माइनस टू एक्स बाय एन। तो अभी हम पहुँचे हैं यहाँ तक। अब इन एक्सप्रेशंस को थोड़ा आप लोग खोल लीजिए। खोलने के बाद फिर से मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी। शॉर्टकट इन द सेंस वी विल बी यूजिंग लॉग सीरीज, हम लॉग की सीरीज यूज़ करेंगे। तो पहले आप टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो लेट मी रब दिस लास्ट एक्सप्रेशन, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ह्यूमन नेचर कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती हम उसको छोड़ देते हैं, साइड पे कर देते हैं। सो आई एम नॉट ऑल्सो एक्सेप्शनल केस। तो देखिए, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इट विल बी लॉग पी मैक्स प्लस एन लॉग एन बाय टू, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस ईच टर्म के साथ, तो माइनस एन बाय टू लॉग एन बाय टू, फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस एन बाय टू लॉग वन प्लस टू एक्स बाय एन। उसके बाद ये एक्स मल्टीप्लाई करना है हमें, माइनस एक्स लॉग एन बाय टू, फिर यही एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स लॉग वन प्लस टू एक्स बाय एन। इसके बाद इसको ओपन करिए, माइनस एन बाय टू लॉग एन बाय टू, फिर यही इसके साथ भी जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एन बाय टू लॉग वन माइनस टू एक्स बाय एन। उसके बाद इस एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, और ये प्लस एक्स लॉग एन बाय टू, फिर उसके बाद यही प्लस एक्स लॉग वन माइनस टू एक्स बाय एन। ओहो, कितनी सारी टर्म्स बन गई। अब हमें इन टर्म्स को हैंडल करना है, तो देखिए किस तरीके से हैंडल करेंगे। देखिए क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। देखिए, माइनस एन बाय टू लॉग एन बाय टू, और इसी तरह की एक टर्म और आनी चाहिए, दिस वन माइनस एन बाय टू लॉग एन बाय टू, जब आप इनको ऐड करेंगे दिस विल बिकम एन लॉग एन बाय टू, यानी कि इसके साथ ये दोनों मिलके इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया है, एन बाय टू लॉग वन प्लस टू एक्स बाय एन, और माइनस एन बाय टू लॉग वन प्लस टू एक्स बाय एन, फिर यहाँ पे हमारे पास बचा माइनस एक्स लॉग एन बाय टू, और यहाँ पे बचा प्लस लॉग एक्स बाय टू। तो ये टर्म्स भी गई, सो वी आर लेफ्ट विद माइनस एन बाय टू लॉग वन प्लस टू एक्स बाय एन, माइनस एक्स लॉग वन प्लस टू एक्स बाय एन, माइनस एन बाय टू लॉग वन माइनस टू एक्स बाय एन, और प्लस एक्स वन माइनस टू एक्स बाय एन। तो मैं एक बार इनको सेपरेटली लिख लूँ ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए अगले स्टेप पे जाना। तो लॉग पी एक्स इज इक्वल टू लॉग पी मैक्स, जो जो कट गया उसको छोड़ दीजिए, माइनस एन बाय टू लॉग वन प्लस टू एक्स बाय एन, फिर देखिए माइनस एक्स लॉग वन प्लस टू एक्स बाय एन, फिर देखिए उसके बाद माइनस एन बाय टू लॉग वन माइनस टू एक्स बाय एन, फिर उसके बाद देखिए प्लस एक्स लॉग वन माइनस टू एक्स बाय एन। एक्स वाली एक टर्म माइनस है, एक टर्म प्लस है, एन बाय टू वाली दोनों टर्म्स नेगेटिव है, तो हमारे पास ये टर्म बची है। अभी हमें इनको भी फर्दर ऑन देखिए सिंप्लीफाई करना है। मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू मस्ट हैव डन अप टू दिस। अब मुझे क्या करना है, इन इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन मेरे पास अल्टीमेटली आ गई है, इस इक्वेशन को मुझे अल्टीमेटली फिर से क्या करना है, और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर जाना है। सो लेट अस डू दैट। अब मैं लॉगरिदम, लॉग की एक्सप्रेशन यूज़ करूँगी। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स दे मस्ट बी नोइंग कि लॉग की एक एक्सप्रेशन होती है। मैं ये सब इरेज कर रही हूँ, सिर्फ लास्ट एक्सप्रेशन को रखती हूँ जिसके अंदर हमें वैल्यूज पुट करवानी होंगी।
आप लोग इक्वेशन नंबर्स देते रहिए ताकि आपको पुट करवाना इजी हो जाए। एट द लास्ट ये जितना लंबा चौड़ा जितना बड़ा आर्टिकल हम लोगों को लग रहा है उतना ही छोटा सा सॉल्यूशन, प्यारा सा इसका सॉल्यूशन निकल के हमारे पास आ जाएगा। अब मैं आपको अगर याद करवाऊँ log 1 प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू सीरीज ऑफ log 1 प्लस एक्स, इट कम्स आउट इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स फोर बाय फोर एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। अब अगर यही मुझे नेगेटिव में लिखना है log 1 माइनस एक्स, तो ये सारी टर्म्स आपको पता है नेगेटिव हो जाती हैं, दे विल बिकम माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री एंड सो ऑन। अब इस लॉगरिदम की एक्सप्रेशन को आई विल अप्लाई ऑन दीज टर्म्स, ये जो बड़ी बड़ी मुझे भयंकर भयंकर टर्म्स दिख रही हैं log 1 प्लस 2x बाय n के ऊपर मैं अप्लाई करूँ, तो हमारे पास x की जगह पे ये टर्म है, तो x यानी कि 2x बाय n माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि इस टर्म का स्क्वायर 4x स्क्वायर बाय n स्क्वायर 2, ये 2 इस 2 को मार देगा, इट विल बिकम 2x स्क्वायर बाय n स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर 4 पावर, ये सब टर्म, और हमने x माना है स्मॉल, बड़ी वेरी लिटिल डेविएशन वी हैव कंसीडर्ड फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, अगर x स्मॉल है तो हायर टर्म्स को मैं क्या कर दूंगी, नेग्लेक्ट कर दूंगी, तो मेरे पास सिर्फ यही दो टर्म्स बचेंगी आफ्टर नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म्स। फिर इसी तरीके से log 1 माइनस 2x बाय n, अब इतना सब मैंने करवा दिया, इतना सब आप अपने आप करके देखिए, सब कुछ सेम रहेगा, वेरी इजी, वही सारी टर्म्स, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, सो माइनस 2x बाय n माइनस 2x स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज़ हमें अपनी एक्सप्रेशन के अंदर पुट करवानी है, और फिर से आपको एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करना है, और फिर से एक्सपैंड करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, यू हैव टू सी कि देखिए 1 प्लस 2x 1 प्लस 1 प्लस सारा इसके अंदर आपको इसको पुट करवा देना है, और पुट करवाने के बाद फिर से आपको वही काटा पीटी, वही लड़ाई जुड़ाई सब कुछ करना है, एंड यू विल सी कि कौन सी टर्म्स बचेंगी कौन सी चली जाएंगी। log px इज इक्वल टू log pmax माइनस n बाय 2 इंटू, ये पुट करवा दीजिए, 2x बाय n माइनस 2x स्क्वायर बाय n स्क्वायर माइनस एक्स, फिर से log 1 प्लस 2x बाय n, 2x बाय n माइनस 2x स्क्वायर बाय n स्क्वायर माइनस n बाय 2, फिर से log 1 माइनस 2x बाय n, तो माइनस 2x बाय n माइनस 2x स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस x इंटू, फिर से माइनस वाली वैल्यू, माइनस 2x बाय n माइनस 2x स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अब आपको क्या करना है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इन ब्रैकेट्स को सबको खोलिए, काटा पीटी कीजिए, देखिए आपके पास क्या बचता है, एंड वी विल रीच वेरी नियर टू आवर सॉल्यूशन। देखिए जब कहते हैं ना कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है एंड एवरीबडी इज सेइंग कि जब ये पीक पे पहुंच जाएगा तब एकदम से डिक्लाइन स्टेज आएगी एंड एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, एंड दिस इज़ जनरल रूल ऑफ नेचर कि जब प्रॉब्लम अपने पीक पे पहुंच जाती है इट मींस एंड नज़दीक है। अब देखिए प्रॉब्लम अपने पीक पे, कितनी ज़्यादा टर्म्स यहाँ से टर्म्स यहाँ से यहाँ से यहाँ से कितनी ज़्यादा टर्म्स निकल के आएंगी, इसका मतलब हम अपने सोल्यूशन के बहुत नज़दीक हैं। सो लेट अस सॉल्व दिस, इट विल बी log पी मैक्स, अब आप इसको ओपन करेंगे n से n जाएगा 2 से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ x, अब यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो n बाय 2 इस 2 से ये 2 जाएगा, इस n से ये n जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा x स्क्वायर बाय n, फिर से देखिए n बाय 2 इंटू 2x स्क्वायर बाय n स्क्वायर, एक n से एक n गया, एक 2 से एक 2 गया, हमारे पास बचा x स्क्वायर बाय n, ये टर्म सॉल्व हो गई है। अब आ जाइए इस पे माइनस 2x स्क्वायर बाय n, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इट विल बी 2x क्यूब बाय n स्क्वायर, फिर आइए इस पे माइनस माइनस हो गया प्लस, n से n गया 2 से 2 गया x, खुशी हुई, एक प्लस x एक माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, अब ये फिर से वही सिचुएशन आ गई है, ये वाली n n को मारेगा 2 2 को मारेगा और हमारे पास बचेगा x स्क्वायर बाय n, दिस माइनस ये हमारे पास बचेगा प्लस के अंदर, सो दिस विल बी अगेन माइनस 2x स्क्वायर बाय n, अगेन माइनस
टू एक्स क्यूब बाई एन स्क्वायर। देखिए मैंने ईच एंड एवरी टर्म, दो टर्म्स यहाँ से आ गई, दो टर्म्स यहाँ से आ गई, दो टर्म्स यहाँ से आ गई और दो टर्म्स यहाँ से आ गई। अब देखिए x से x गया और देखिए हमारे पास माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई एन, माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई एन, इट विल बिकम फोर एक्स स्क्वायर बाई एन। और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन, प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन, इट विल बिकम टू एक्स स्क्वायर बाई एन। मैं लिखती जा रही हूँ ताकि आपको ईजी लगे। लॉग पी मैक्स, मैंने पहले इसको और इसको ऐड करवाया, ये बना टू एक्स स्क्वायर बाई एन, चाहे आप सीधा ऐड करवा लीजिए, और ये माइनस, ये बना फोर एक्स स्क्वायर बाई एन, चाहे आप चारों टर्म्स को इकट्ठा हैंडल कर लेते, इट्स अप टू यू। उसके बाद ये माइनस और ये प्लस, ये भी गया। वेरी गुड, नाउ वी आर लेफ्ट विद लॉग पी एक्स इज इक्वल टू लॉग पी मैक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई एन। तो हमारे पास ये फाइनली टर्म लॉग पी एक्स और लॉग पी मैक्स के अंदर रिलेशनशिप आ गई है। हमें चाहिए रेशो। सॉल्यूशन के बहुत नज़दीक पहुंचते हुए बट नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, लॉग पी एक्स लॉग पी मैक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई एन। अब मैं ये सारा पार्ट इरेज कर दूं, आई डोंट नीड ऑल दिस, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी सी चीज़ें जो मुझे डरा रही थी, जो मुझे धमका रही थी, मैं इन सब को यहाँ से हटा दूंगी। अब बहुत छोटी सी टर्म पे इसको आप इधर ले जाइए, लॉग पी एक्स माइनस लॉग पी मैक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई एन। लॉग ए अपॉन बी, याद आ रहा है, पी एक्स बाई पी मैक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई एन, बिकॉज लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन लॉग बी। अब मैं दोनों साइड अगर एंटी लॉग ले लेती हूँ, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी और लॉग नहीं, एंटी लॉग, तो आप लोग क्या करेंगे, पी एक्स अपॉन पी मैक्स इज इक्वल टू, इट विल बिकम माइनस ई रेज टू पार टू एक्स स्क्वायर बाई एन। लेकिन मुझे n बाई टू चाहिए एक्सप्रेशन के अंदर, आई नीड n बाई टू, मतलब n बाई टू मुझे पता है कि मेरी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट थी, तो मुझे उसी से दूर और उसी के नज़दीक जाना है। सो मैं इसी टर्म को, पावर को n बाई टू से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और n बाई टू से ही डिवाइड कर देती हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या बचेगा, पी एक्स अपॉन पी मैक्स, कीजिए कीजिए इसको फटाफट से हैंडल कीजिए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट टू एक्स बाई एन होल स्क्वायर। देखिए टू एक्स का होल स्क्वायर, एन का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, इसके अलावा आई कैन राइट एन बाय टू। ये नीचे वाला एन स्क्वायर मैंने यहाँ ले लिया, ऊपर वाला एन यहाँ पड़ा है, ये नीचे वाला, इसका टू यहाँ है, इसका टू ऊपर चला गया, फोर ये आ गया। बट वेट वेट वेट, नाउ सी यहाँ पे मेरा नेगेटिव साइन अभी मिसिंग है, सो दिस इज नेगेटिव साइन, चौक भी गिर गया, इतना लंबा टॉपिक था ये। नाउ अब देखिए पी मैक्स पी एक्स इज इक्वल टू, ये जो टर्म पड़ी हुई है विद इन ब्रैकेट, लेट अस पुट इट एफ, पी मैक्स ई रेज टू पार माइनस एफ स्क्वायर इंटू एन बाय टू। और ये जो एफ है, वेयर दिस एफ इज इक्वल टू टू एक्स, ये जो एफ है, इस एफ को क्या मैं लिख रही हूँ, टू एक्स अपॉन एन, दिस इज टर्म्ड एज फ्रैक्शनल डेविएशन, फ्रैक्शनल डेविएशन फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ऐसा क्यों बोला हमने, बिकॉज दिस इज एक्स अपॉन एन बाई टू, याद आ रहा है कुछ, एन बाई टू मोस्ट प्रोबेबल स्टेट था, एक्स डेविएशन थी, तो एक्स अपॉन एन बाई टू, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल डेविएशन। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुकी है प्रोबेबिलिटी की, डेविएटेड की, इन द फॉर्म ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन की, प्रोबेबिलिटी की टर्म में। नाउ थिंक इज कि अब हमें इसको डिस्कस करना है, वी हैव रीच अप टू द रिजल्ट फ्रैक्शनल डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बड़े अलग अलग तरीके से आ जाता है, समटाइम आपको ये पूछ लिया जाता है डिस्कस फ्रैक्शनल डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो यहाँ पर स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, अभी हमें इसको और डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, आई विल कंसीडर स्पेशल केसेस ओवर हेयर। तो ये स्पेशल केसेस के अंदर लेट अस सपोज कि फर्स्ट सबसे कम वैल्यू इसकी मैं कंसीडर करूं, मान लीजिए एफ आपके पास 0.1% है, आपको इसको 10 की पावर में एक्सप्रेस करना है, सो लेट अस इट इज़ इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 3 फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। और मान लीजिए जो एन है, इट इज़ 10 रेज टू पावर
6, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, सो लेट अस पुट दिस एक्सप्रेशन इन दिस एक्सप्रेशन. मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को मैंने डी नेम दे दिया, डी फॉर डॉक्टर दिव्य. तो हम लोग इसके अंदर इसको पुट करवा देते हैं. जब आप इस n की वैल्यू 10^6, f की वैल्यू यहाँ पे 10^-3 पुट करवाएंगे, यू विल गेट px इज इक्वल टू pmax e^-1/2. ओ माइनस हाफ मीन्स 1/e^2. इन जनरल इट विल बी 0.60 pmax, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से आप 60% दूर हैं. अब सेकेंड केस के अंदर मान लीजिए कि इस f को मैं उतना ही रखूँगी, 10^-3, आई विल नॉट चेंज दिस f, 0.1% और 10^-3. बट लेट अस सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव बीन इंक्रीज टू 10^9. अब अगर मैं 10^9 तक पार्टिकल्स को इंक्रीज कर देती हूँ, तो आप उसी एक्सप्रेशन d के अंदर इसको पुट करवाएंगे, यू विल गेट px इज इक्वल टू pmax इंटू e^-500. और ज़्यादा छोटा हो गया, इवन लेस देन. तो ये मान लीजिए हमारा n1 था, ये मान लीजिए हमारा n2 है, ताकि मुझे ग्राफ्स में प्लॉट करना इजी हो जाए. n1, n2. लेट अस सपोज एक केस और कंसीडर कर लेते हैं ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए. f विल रिमेन सेम, 10^-3, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेट अस सपोज हमने कर लिए 10^12, बढ़ा लिए. तो अब हमारे पास px क्या बन जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम मोर लार्जर पावर बट इन नेगेटिव, इट विल बी -500000. आप लोग काउंट कर लीजिएगा कितनी जीरोज आ रही हैं. मीन्स दिस विल बी इवन लेसर. आप यहाँ से पहुँचे, दिस इज लेस, दिस इज इवन लेसर. मीन्स जो डेविएशन है, ये जो डेविएशन यहाँ पे आई, ये डेविएशन यहाँ पे आई है, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी. तो हमें समझ आ रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते 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 जा रहे हैं, तो डेविएशन छोटी 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 होती जा रही है. मीन्स इट गो ऑन रिड्यूसिंग, एज वी इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डेविएशन रिड्यूस होती है. मीन्स सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा देर कहाँ रहने की कोशिश करता है, इन द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट. इस आर्टिकल के अंदर आपको एग्जामिनेशन में एक ग्राफ ज़रूर बनाना होता है. क्वेश्चन बड़े अलग अलग तरीके से एग्जामिनेशन में ये आता है. समटाइम्स स्टूडेंट्स के लिए रिकग्नाइज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आंसर लिखना क्या है. अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं विद वैल्यूज़ ऑफ f की वैल्यूज़ के साथ, अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पे मान लीजिए ज़ीरो वैल्यू 0.1, 0.2, -0.1, -0.2, तो ये जो ग्राफ आता है ये कुछ इस तरीके का बेल शेप्ड ग्राफ आता है, फिर कुछ इस तरीके का ग्राफ, कुछ इस तरीके का ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ जो है ये कुछ आता है. हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, इससे ज़्यादा होगा नहीं. तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं लूँ, दिस इज़ फॉर n1, पार्टिकल्स जैसे जैसे ज़्यादा होते जा रहे हैं. सो दिस इज़ n1, n2, n3, मीन्स n3 इज़ ग्रेटर देन n2 इज़ ग्रेटर देन n1. क्लियर कट है, n1 पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, जैसे 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 हम पार्टिकल्स बढ़ाते जा रहे हैं, ये कर्व नैरो 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 होती जा रही है. इसका मतलब डेविएशन कम 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 होती जा रही है. इसका मतलब कि सिस्टम सबसे ज़्यादा कहाँ रहने की कोशिश करता है, इन द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बिकम्स नैरोअर एंड नैरोअर एज वी इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये आपको लिखना पड़ता है एग्जामिनेशन में. दैट मीन्स सिस्टम ट्राइज टू स्टे इन इट्स मोस्ट प्रोबेबल स्टेट. इट विल स्पेंड इट्स मोस्ट ऑफ टाइम इन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट. यानी कि अगर मुझे सिस्टम को स्टडी करना है, इफ़ आई वॉन्ट टू स्टडी द सिस्टम, देन आई विल डायरेक्टली डील विद मोस्ट प्रोबेबल स्टेट एंड नथिंग एल्स. मैं सिर्फ उसके साथ ही डील करूँगी और वहाँ पर अपना काम करना शुरू कर दूँगी. तो ये था टॉपिक डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. थोड़ा लंबा टॉपिक था लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैथमेटिक्स है और हमें समझ भी आ रहा है कि उस मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या है. एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सुनिए किस तरीके से आता है. समटाइम्स आपको कहा जाता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रैक्शनल डेविएशन, तब भी आपको यहाँ तक इस ग्राफ तक पहुँचना पड़ता है, एंड दैट्स इट. कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है, जस्टिफाई दैट एज वी इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रायल्स और एज वी इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम टेंड्स टू स्टे इन इट्स मोस्ट प्रोबेबल स्टेट. फिर आपको ये ग्राफ बना के उसके बाद जो भी मैंने ब्ला 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 आपको एक्सप्लेनेशन दी कि आप इसको इंक्रीज करेंगे नैरो होगा, वो आप एज सच आप चाहें तो इसको रिपीट कर लें, पीछे ले जाएं, बैक ले जाएं, रिवाइंड कर लें इस वीडियो को, और जो जो मैं बोल रही हूँ जैसे जैसे आप अपने पेन के साथ नोटबुक पे नोट कर लीजिए. एज सच आप अपने एग्जामिनेशन में लिख दिया, एंड आई बेट कि आपके फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में डेफिनेटली आएंगे.
फ्रैक्शनल डेविएशन, आप लोगों से डेविएशन पूछी जाती है, सिस्टम का बिहेवियर पूछा जाता है कि वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से किस तरीके से डिफरेंट होता है, तो आपको यही आर्टिकल अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच।